जैसे ही मैं यार इन दोनों लाइटों को बंद करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ यार अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आज के व्लॉग में मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाने वाला हूँ। हाँ गाइस, मेरा स्टूडियो जो है यार वो टैग चैनल का है, यानी व्लॉग तो मैं ऐसे ही शूट करता हूँ, लेकिन यार मेरा एक टैग चैनल भी है जिसके लिए मैंने गरीबों वाला स्टूडियो बना रखा है यार। अरे कहना क्या चाहते हो, और वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जो इस व्लॉग को कंटिन्यू वॉच करते रहना लास्ट तक। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मम्मी ने जो है पाथ बनाया था यार भाभी के लिए था, लेकिन मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा ले लिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि यार खाने में अच्छा लगता है। आप देखो इसमें बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स मिले हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार खाने में। कमेंट में ज़रूर बताना किस किसने खाया है। पाथ फिनिश, चलिए यार इसे रसोई में रखा आते हैं। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा है यार, पतंग उड़ रही है यार। देखते हैं दूसरे वाले कमरे में क्या हो रहा है, इस वाले में, भाभी वाले में। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? माने वाला गाना, माने वाला गाना चल रहा। परी ना गाज रही है तू? कबूतर क्या थोड़ा है, कबूतर। ओहो क्या बात है, परी का डांस। और बाबू क्या कर रहा? बाबू जग रहा, सो रहा? ऐसा? अरे बाबू भी जग रहा है, दीदी का डांस देख रहा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। आपने देखा परी कितना अच्छा डांस कर रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, मैं आपको दिखाता हूँ गरीबों वाला सेटअप। तो चलिए चल रहे अपने टैक वीडियो जो है वो मैं इस कमरे में शूट करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शूट करता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शूट करता हूँ यार। बैकग्राउंड को कामते हैं, पर्दे करते हैं जो हमने लगा रखे हैं अपनी अलमारी में। और यार यहाँ पर मैंने अपना ट्राईपॉड और माइक पहले ही निकाल कर रख लिया है। आप देख सकते हैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ मैं अपनी टैक वीडियोस को शूट करने के लिए। अभी फ़िलहाल यार मैं टैक वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार उस चैनल पर मेरे जो है दो स्ट्राइक आ चुके हैं अभी तक। तो गाइस यार आपको पता होगा, जब टू स्ट्राइक आ जाते हैं तो दो हफ्ते तक हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते और कोई लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। और यार ये माइक यूज़ करता हूं मैं अपनी टैग वीडियोस के लिए, और यार व्लॉग के लिए मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूं अभी। तो यार डायरेक्टली शूट कर रहा हूं, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरी वॉइस ठीक ठाक आती है या नहीं। और यार गाइस यार ये मेरा ट्राईपॉड है, ये भी मैंने परचेस किया था अपने खुद के ही पैसों से, ज़्यादा महंगा नहीं है यार, सस्ता वाला ही मंगा रखा है फ़िलहाल तो। और यार लाइट का काम जो है मेरी हैंडमेड लाइट करती है, जो कि मैंने खुद ने बनाई थी। ये यार आप देख सकते हैं, ये मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाई थी, मैंने और मेरे भाई ने, सॉफ्ट लाइट। यार ये फेस पर लाइट का काम करती है जब मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैं आपको अभी पर मैं वीडियो शूट करता हूँ यहाँ पर बैठकर, बैकग्राउंड में ये पर्दे वर्क करते हैं, मैंने आपको बताई दिया। और यार यहाँ पर मैं इस सॉफ्ट लाइट को लगाता हूँ, ये डायरेक्टली नीचे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि यार लाइट जो है नीचे पड़ जाती है अगर मैं डायरेक्टली नीचे लगाता हूँ। यहाँ पर मैं एक कुर्सी रखता हूँ, उसके ऊपर यार इस सॉफ्ट लाइट को रखता हूँ, ये वाली सॉफ्ट लाइट को, और इसे रखने के बाद तब मेरे फेस पर ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। रखने के बाद यार ये कुछ ऐसा लगता है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सी पर मैंने सॉफ्ट लाइट को रख दिया है, और सॉफ्ट लाइट के तार जो है वहाँ पर लगा दिए हैं जलाने के लिए, क्योंकि यार इन वाली लाइट से फेस पर इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं पड़ पाता है, और वीडियो जो है बहुत डार्क डार्क सी बनती है, इसलिए मैं इन लाइट का यूज़ नहीं करता हूँ, इन वाली लाइटों का।
यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सॉफ्ट लाइट का यूज़ करता हूँ, इन्हें बंद कर देता हूँ जब मैं वीडियो शूट करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना ट्राईपोड रखता हूँ, और ट्राईपोड के यहाँ पर यार मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं बैठता हूँ, और यार यहाँ पर बैठकर मैं वीडियो शूट करता हूँ। यार मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है, वरना मैं आपको इस पर मोबाइल लगा के और दिखाता भी कि कैसे वीडियो शूट करता हूँ, पर मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है जिससे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और वो भी यार इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आई होप आपको इतनी बुरी क्वालिटी नहीं मिल रही होगी यार, क्योंकि यार इसका भी कैमरा इतना खास नहीं है, इसलिए यार उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक चमक रहा होगा आपको। और यार यहाँ पर ये माइक है, ये मैं यहाँ पर मोबाइल में लगाता हूँ, यहाँ पर जब मोबाइल लगाता हूँ तो उसे इसमें लगा यार इस तरीके से लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइक को लगा लिया, जब भी मैं टैग वीडियोज यूज़ करता हूँ माइक को यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। और गाइस यार ये भी ज़्यादा महंगा माइक नहीं है, ये भी सस्ता ही माइक है। तो गाइस यार कुछ इस तरीके का सेटअप है मेरा टैग वीडियो शूट करने का। तो यार टैग वीडियो जैसे ही मैं यहाँ से शूट कर लेता हूँ तो वो कुछ इस तरीके की लगती है। आपने जो है एंजॉय किया होगा यार, आपको मेरा गरीबों वाला सेटअप पसंद आया होगा। तो गाइस यार ये व्लॉग थोड़ा मोटिवेट सा हो गया है, जो भाई यूट्यूब पर आने के सोच रहे हैं और यार उनके पास अभी पैसे नहीं है यार अच्छा माइक खरीदने के लिए, अच्छा ट्राईपोड खरीदने के लिए, और यार बैकग्राउंड खरीदने के लिए। तो गाइस ये व्लॉग थोड़ा मोटिवेट सा बन गया है आपके लिए। आप देख सकते हैं मेरे पास भी कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सस्ता वाला ट्राईपोड है ये, और बहुत ही सस्ता वाला माइक है, और यार बैकग्राउंड तो मैंने अभी परचेज भी नहीं किया है, मैं अभी अपने इन पर्दों का ही यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड के तौर पर। और यार ये सॉफ्ट लाइट जो थी मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने खुद ने बनाई है यार, बहुत ही यार YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप सॉफ्ट लाइट खुद बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपये या उससे भी कम रुपए के अंदर में, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है यार मुंह पर। तो इस तरीके से आप यार अपने YouTube चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप YouTube पर। यार ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना। प्लीज़ यार सपोर्ट करो चैनल को, जो सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।